हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 3 सोशल स्टडी चैप्टर 1 द अर्थ आवर होम। उसका हमने द अर्थ सरफेस शेप एंड साइज द हॉरिजन ये तीनों पार्ट्स डिस्कस किए थे। टुडे आई विल डिस्कस विथ यू द एटमोसफियर। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था द अर्थ सरफेस 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड एंड 70% इज वाटर, कवर्ड विथ वाटर। देन आज पढ़ेंगे द एटमोसफियर। एटमोसफियर क्या है और वो कहाँ है? आवर अर्थ इज लाइक ए बिग बॉल। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, आज पार्ट 2। आवर अर्थ इज लाइक ए बिग बॉल। हमारा अर्थ दिखने में बहुत एक बड़ा सा बॉल जैसा है। इट इज सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ से हवा है। दिस सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड द अर्थ एटमोसफियर। ये जो एयर है, हवा बोलते हैं इसको, एटमोसफियर बोलते हैं। द अर्थ एटमोसफियर अप्लाइज ए प्रेशर ऑन आवर बॉडीज। द अर्थ एटमोसफियर अप्लाइज ए प्रेशर ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर पर ये जो एटमोसफियर है, हवा है, एयर है, हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। बट वी डोंट फील। हमें महसूस नहीं होता। बट वी डू नॉट फील दिस प्रेशर। देयर इज एयर इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। हमारे शरीर के अंदर भी हवा जाता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ में हमारे एयर जाता है, हमारी बॉडी क्या करती है, जो एयर ज़रूरत है उसे रखकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। दस द आउटसाइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द इनसाइड प्रेशर ऑफ द एयर। बाहरी हवा हमारी बॉडी को प्रेशराइज करता है एंड अंदर की जो हवा है उसे बैलेंस करने में मदद करता है। द अर्थ्स एटमोसफियर गिव्स अस ग्रेट प्रोटेक्शन। ये जो पृथ्वी को चारों तरफ से हवा घेरे रखा है, क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट रखता है। हमें सिर्फ हमें नहीं, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, उसके सारे क्रिएचर्स को। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस एट नाइट। इट सॉफ्टेंस द ग्लेयर ऑफ द सन बाय डे। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस एट नाइट। रात की ठंडियों से ज़्यादा ठंडियों से हमें बचाता है। एंड इट सॉफ्टेंस द ग्लेयर ऑफ द सन बाय डे। दिन में जो सूर्य की बहुत तेज धूप आती है उससे भी हमको बचाता है एटमोसफियर। अगर एटमोसफियर नहीं होता तो सूर्य का कितना सारा जो क्षतिकारक जो रोशनी वो हमें हम तक पहुंचता। देन द स्काई द अर्थ्स एटमोसफियर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स अबाउट 500 किलोमीटर्स। द अर्थ्स एटमोसफियर एक्सटेंड अपवर्ड्स फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स। अर्थ के सरफेस से पृथ्वी के ऊपर से लेकर 500 किलोमीटर ऊपर तक एयर व्याप्त है। अगर हम 500 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम लगेगी, एयर नहीं होगा,
हम ऐसे नहीं रह सकते हैं. टू टू समवन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ इट लुक्स लाइक ए ह्यूज इन्वर्टेड बॉल. टू समवन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ इट लुक्स लाइक ए ह्यूज इन्वर्टेड बॉल. अगर कोई अर्थ के ऊपर खड़ा रहे तो ऊपर से दिखने में कितना छोटा दिखेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल द स्काई. द स्काई लुक्स ब्लू. द स्काई लुक्स ब्लू. स्काई दिखने में ब्लू लगता है. इसका रंग ब्लू कैसे हुआ. इनफैक्ट द स्काई हैज नो कलर. इनफैक्ट द स्काई हैज नो कलर. स्काई का कुछ रंग नहीं है. देयर आर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर इन द एयर. दिस पार्टिकल्स स्कैटर द सन्स लाइट इन सच ए वे दैट द स्काई लुक्स ब्लू. द स्काई हैज नो कलर. स्काई का कुछ कलर नहीं है. पर ब्लू कलर कैसे आया. जो डस्ट पार्टिकल्स वाटर इन द एयर जो हवा में आकाश में जो जाते हैं पानी के बूंदे जो वाटर वेपर होके ऊपर जाते हैं और धूल. दिस पार्टिकल्स स्कैटर द सन रेज. वो क्या करते हैं. सूर्य की किरणें को एब्जॉर्ब करते हैं. देन स्काई चेंजेस इनटू ब्लू. इसके वजह से स्काई ब्लू होता है. वेदर. वेदर ऑन द अर्थ देयर टेक प्लेस रेगुलर चेंजेस इन हीट एंड कोल्ड. ऑन द अर्थ देयर टेक प्लेस रेगुलर चेंजेस इन हीट एंड कोल्ड. हमारी धरती पर अर्थ पर हर वक्त ठंड हो या गर्मी हो हर वक्त ये सब बदलता रहता है. क्लाउडी एंड सनी डेज. क्लाउडी मतलब जब बादल रहता है आसमान में. सनी डेज मतलब जब धूप रहता है. समटाइम्स वी हैव रेनफॉल्स एट अदर टाइम्स इट इज ड्राई. समटाइम्स रेनफॉल्स एंड समटाइम्स ड्राई. कभी कभार बारिश होता है तो कभी सूखा रहता है. द कंडीशन ऑफ क्लाउडीनेस ब्राइटनेस रेनफॉल हीट एंड कोल्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम और पीरियड ऑफ द ईयर इज नोन एज वेदर. वेदर चेंजेस विद सीजन्स. वेदर किसे कहा जाए. व्हाट इज वेदर. द कंडीशन ऑफ क्लाउडीनेस आसमान में बादल हो या ना हो. ब्राइटनेस सूर्य का किरण ज़्यादा हो या कम हो. हीट गर्मी लगे या फिर ठंड. हीट एंड कोल्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम और पीरियड इन द ऑफ द ईयर इज नोन एज वेदर. साल में ऐसे कुछ दिन होता है या फिर महीना जिसमें अगर बारिश का मौसम हो बारिश दो दिन तीन दिन लगकर बारिश हो उसे हम बोलते हैं बारिश का मौसम. बारिश की वेदर ऐसे. वी को वेदर चेंजेस विथ सीजन्स. सीजन की तरह वेदर का भी चेंज होता है. आज वेदर क्लाउडी है तो कल क्लाउडी होगा या नहीं. कल सनी डेज भी हो सकता है. देन सीजन्स. देर आर सिक्स सीजन इन वन ईयर. वन ईयर में कितने सीजन्स आते हैं. सिक्स सीजन. समर रेनी ऑटम ड्यू विंटर स्प्रिंग. ए सीजन इज ए पार्ट ऑफ द ईयर कैरेक्टराइज बाय पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस. ए सीजन इज ए पार्ट ऑफ द ईयर कैरेक्टराइज बाय पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस. क्या करता है. सीजन में सीजन को एक सीजन में वेदर चेंज होता रहता है. द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हैप्स बाय एन इमेजिनरी लाइन. द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हैप्स बाय एन इमेजिनरी लाइन. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर. हमारे धरती को दो हिस्सों में बांटा गया है हाफ करके. और अर्थ इज लुक लाइक
ए ह्यूज बॉल, हमारी धरती दिखने में एक बॉल की तरह है, तो उसे अगर हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, जो आधे में जो लाइन दिया गया है उसे इक्वेटर बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ एबोव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट ऑफ बिलो इक्वेटर इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए पिक्चर में देखिए, आवर अर्थ लुक्स लाइक ए ह्यूज बॉल, हमारी धरती दिखने में कितना गोल और बड़ा है। बीच में जो लाइन दिया गया है उसे इक्वेटर बोलते हैं। देखिए लिखा भी गया है इक्वेटर, जो अब हमारी धरती को आधा आधा हिस्सों में बांट रहा होता है, इक्वेटर। देन ऊपर लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। देन द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, सन को क्या कर अर्थ को क्या करना पड़ता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पड़ते हैं, घूमना पड़ता है, उसे रिवॉल्व्स कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड क्या है, 365 डेज एंड 4 आवर्स, 365 डेज ऐसे बोलते हैं। इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिटल्ड एट एन एंगल, क्या कर रहा होता है, देखिए हमारी धरती एक तरह से एंगल में रहता है। एज ए रिजल्ट फॉर 6 मंथ ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टूवर्ड्स द सन, धरती का जो 6 मंथ का रिवोल्यूशन पीरियड है, 6 महीने, वो क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथ के साइड ऐसे एक कोने की तरह उल्टा होकर घूम के रहता है। देन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज बेंड अवे फ्रॉम इट, द हेमिस्फीयर व्हिच इज टिल टुवर्ड्स द सन गेट्स द सन रेज डायरेक्ट एंड सो इज वार्मर देन द अदर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ ढल के रहता है ऐसे घूमकर, तो सूर्य का किरण उस पर पड़ता है और अदर साइड में सूर्य का किरण नहीं पड़ता, और वहाँ पानी कैसा होता है, आइस बनकर रहता है, बहुत ठंड रहती है वहाँ। जब वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन रेज पाता है तो वहाँ समर सीजन होता है। इट ऑल्सो हैव लॉन्गर आवर्स ऑफ सनलाइट एंड विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, वहाँ क्या होता है, डेज बड़ा होता है उसी टाइम पर एंड रात छोटी होती है। एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द सन गेट्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड विल हैव विंटर, इट हैज शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। देखिए पिक्चर देखिए, नीचे दिया गया है द मिडिल इज सन एंड देखिए बीच में सन है और अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड दिया गया है। पहले हम समर सीजन से शुरू करेंगे। देखिए समर सीजन यहाँ से आ रहा है। देन ऑटम सीजन, ऑटम के बाद विंटर सीजन, जब सूर्य का किरण ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ समर सीजन होता है हमारे अर्थ में। जब सूर्य का किरण कम पड़ता है, स्लैंटिंग लाइंस, स्लैंटिंग रेज इज कॉल्ड विंटर सीजन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।